तो अभी जस्ट देखिए, ये मैं प्लांट के सामने हूँ, मेन गेट सामने हूँ प्लास्टिक प्लांट के, और मेरे पीछे ये अपना इस्पात भवन है। अपने हिस्से का बूंदी लेके निकलते हैं बेडरूम किचन, और आपको दिखाते हैं क्या खाना बनाया अभी आज। अपने लिए भी कुछ प्लान बन रहे कि आज पनीर वगैरह कुछ बनाएंगे घर में इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे पे के मौके पे, तो मैं भी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गो बैक टू माय चैनल। हमारा स्मरण फिर से हम लोग नया वीडियो लेके आया, और आज है 26 जनवरी 2020 रिपब्लिक डे, और अभी ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ, और टाइम हो रहा है करीब आपका 6:45 के लिए, आज 7 बजे ड्यूटी है, ड्यूटी जाने का शेड्यूल है, तो मैं निकल रहा हूँ। देखिए और बाहर कैसा वेदर है, देखिए मतलब कितना अच्छा वेदर अभी 6:45 है, तो सुबह सुबह पूरा सूरज भी निकल रहे हैं अभी, और आज ड्यूटी जा रहा हूँ, तो फाइनली देखता हूँ क्या क्या मिलता है आज। आज प्लान किया हूँ कि कुछ अच्छा वीडियो डालूंगा आज चैनल पे, तो मेरे साथ लोग बने रहिए, और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग आगे। और ये आज कैंटीन का ब्रेकफास्ट था हम लोग का, देखिए पूरी सब्जी था पोहा के साथ, और ये मैं छोले भटूरे ऑर्डर किया था, छोले भटूरे खाने का मतलब छोले भटूरे खा रहा था अभी, और काफ़ी टेस्टी रहता है ये। हेलो गाइस, अभी जस्ट टाइम हो रहा है करीब 12 noon, और मैं अभी जस्ट प्लांट से एग्जिट हो रहा हूँ एक्चुअली, और ऑल दो आज नेशनल हॉलीडे है, बट हम लोग का जो जॉब प्रोफाइल है ना, हम लोग को ड्यूटी वगैरह आना पड़ता है एक्चुअली। सो अभी जस्ट देखिए, ये मैं प्लांट के सामने हूँ, मेन गेट सामने हूँ प्लास्टिक प्लांट के, और मेरे पीछे की अपना इस्पात भवन है, तो अभी जस्ट मैं यहाँ से एग्जिट हो रहा हूँ, अभी घर जाऊँगा, और ऐसे कि आज 26 जनवरी है, तो देखते हैं कुछ स्पेशल स्पेशल ब्लॉग अगर आता है तो फिर आपको बताता हूँ मैं। और मैं यहीं से सोचा कि प्लांट से बाहर ही मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ। तो ये फाइनली ये देखिए, अभी जस्ट मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, और पीछे ये इस्पात भवन है, और माहौल काफ़ी तगड़ा एक्चुअली लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, धूप भी निकला, तो चलिए चलते हैं घर में और देखते हैं कुछ स्पेशल करने के लिए, तो मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहिए। और बीच में मैं अभी रुक गया हूँ, और चलिए आपको दिखाता हूँ, मुझे कुछ सामान दिखा है, तो भैया ये सब कैसे 20 का एक दे दीजिए ना, कलरफुल बैलून है, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली, और ये हम लोग एक, और ये ट्राई कलर वाला मैंने ले लिया है अरब के लिए, और चलिए देखते हैं उसको, ये देख के कैसा लगता है, उसका रिएक्शन क्या क्या होता है, मैं वीडियो में कैप्चर करूँगा, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और ये देखिए यहाँ पे अभी कितना सारा भीड़ है, देखिए ये पूरा सब बाइक रैली कर रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पे रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंट डे पे भिलाई में लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, पूरा सेंट्रल एवेन्यू और फॉरेस्ट एवेन्यू पे पूरा बाइक में रैली करेंगे, और म्यूजिक सिस्टम भी लगा के ऐसे डांस करते हुए जाते हैं, तो देखिए कितना सारा भीड़ है, पूरा ट्रैफिक जाम होने लगा है, और बहुत ही मतलब तगड़ा यहाँ पे बाइक का लोग एकजुट हुए हैं, और देख के मज़ा आ रहा है, झंडे तिरंगा लहराते हुए लोग का,
और ये लोग अभी यहाँ से होके ऐसे ये जो है बोले छोटा परिवार चौक है यहीं से ही लोग अभी जाएंगे टूवर्ड्स आपका सिविक सेंटर। और काफ़ी अच्छा मतलब माहौल है देखेंगे तो। ये देखिए सब निकल गए अभी, कितना सारा भीड़ है देखिए, कितने लोग हैं पूरा एक साथ होके बाइक रैली कर रहे हैं तिरंगे के साथ। और भिलाई का ये एक अच्छा लगता है कि मतलब सभी में हो, मतलब कोई भी त्यौहार हो ना सब में लोग मतलब भीड़ में रोड में आके करते हैं खुले, और बहुत ही अच्छा एक ये है। तो फाइनली ये रास्ते में मुझे फाइनली मिल गया एक्चुअली, मैं हर साल इसको देख के एंजॉय करता हूँ, कभी कभी तो बच्चों को भी दिखाने ले जाता हूँ। हेलो गाइस, अभी मैं क्वार्टर पे पहुंच गया हूं और इसके साथ, और अभी टाइम हो रहा है करीब 12:25 मिनट लग गए एक्चुअली। बीच में मैं कहीं पर रास्ते में रुक गया था, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाता हूं का रिएक्शन क्या आता है इसमें। चलिए मिलते हैं फिर आपको ब्लॉग में आपके साथ। आरव आरव चलो अंदर चलो। Take you home with me. काफी वजन ठीकर, घर का साफ सफाई चल रहा लग रहा है, तो मिलता हूँ आपसे फिर आगे के ब्लॉग में। तुम्हारे हाथ में क्या है बेटा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये दिखाओ ना क्या है, दिखाओ। साहब नहा रहे हैं अभी, इसके बाद अपनी बारी है। हेलो गाइस, और मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ अभी, और जा रहा हूँ किचन क्या खाना बनाया। ये देखिए 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 इसको, ये लड़की को देखिए। आजा आजा चलो, और हम लोग जा रहे हैं अभी किचन और आपको दिखाते हैं क्या खाना बनाया अभी आज। बा 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 बा, और मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये है कटहल की सब्जी, करी है, उसके साथ दही बैंगन है, और ये आपका दाल था, डालमा टाइप का कुछ है, और पापड़ है। फटाफट अभी मैं लंच करके मैं और आराम जा रहे हैं मार्केट एक्चुअली। और एक्चुअली क्या है कि आज जैसे कि रिपब्लिक डे है, और जैसे आज देश का झंडा फहरा गया, और हम लोग अगर बूंदी का मज़ा ना ले तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए पहली बार घर वाले बोले कि सर बूंदी लेके आना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे नियरबाई मार्केट आदाब को लेकर, हम दोनों लेके आएंगे बूंदी और खाएंगे आज। और बचपन में क्या है कि इसका रहता था अलग कि आज रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे हो, लोग स्कूल में कॉलेज में बूंदी मिलता था तो खा के आते थे, तो उसका एक अलग मज़ा रहता था। तो चलिए फिर यहीं से लेके आते हैं और घर में मजे करेंगे फैमिली के साथ बच्चों के साथ बूंदी का। और आरब भी मेरे साथ जा रहा है, देखिए बाहर निकलती है इसके चेहरे पे मुस्कुराहट चालू हो जाता है, इसको बहुत काफ़ी पसंद है एक्चुअली बाहर घूमना। देखिए कितना हंस रहा है बंदा। चलो आ रहा, चलो चलते हैं गाड़ी पे, कितना हंस रहा है देखिए लड़का। और हम लोग आते हैं बूंदी लेके, तो चलिए आपको दिखाता हूँ मार्केट, वैसे आप लोग वीडियो में बने रहिए। और भैया नहीं नहीं क्या चाहिए आ रहा तुझे, क्या देख रहा है तू? ये भैया ये गाड़ी कितने का है, ये स्कूटर दे दी। अच्छा 15 का है क्या? अरे यार चेंज पैसा तो और है नहीं, कैसे करें?
अच्छा ठीक है, एक दे दीजिए, स्कूटर दे दीजिए, दे दीजिए लड़के को, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अंदर वो खींच के लगे तो देख रहे कहाँ गया बोल के। आ रहा, ये लो, आ रहा, ये लो, ये लो, हाँ ये लो, चलो 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 चलो। और फाइनली हम लोग घूमती ले चुके हैं और आपके एक नया खिलौना मिल चुका है, तो चलिए फिर मिलते हैं आगे। और देखिए ये यहीं पे चलाना चालू कर दिया है गाड़ी। अरे घर चलो, घर चलो, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से घर में। अरे यहीं पे नहीं चलाना है आरव, घर चलो। और गाइस अभी हम लोग, मैं और आरव आ चुके हैं बूंदी खरीद के शॉप से और अभी को जा रहे हैं घर। और आरव को जब से नया खिलौना मिला है ना, वो तो भागा ही जा रहा है। मतलब देखिए चलाने के लिए यहाँ अभी जा रहे हैं, यहीं पे अभी लड़का चलाएगा, जहाँ भी लगा जगह वहीं पे चलाना चालू कर। तो मिलता हूँ फिर आपसे मैं घर में। और अब हम अपने हिस्से का बूंदी लेकर निकलते हैं बेडरूम, सोना है क्योंकि आज नींद कंप्लीट नहीं हुआ था। और मैं अपनी बात करूं तो अपना बूंदी लेके मैं आ चुका हूं, देखिए ये, और काफ़ी मज़ा आता है एक्चुअली। हम लोग अगर रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे में बूंदी वगैरह खाते हैं, तो क्योंकि हम लोग बचपन में भी स्कूल में खाते थे ये सब, तो काफ़ी एक लगाव हो गया कि इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे में बूंदी खाना ही खाना है। एकदम बढ़िया। और फैमिली के लिए मैं तो हर बार लेके आता हूँ, इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे हो, बूंदी लेके आता हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया एक्चुअली, शॉप में नहीं था, ख़त्म हो गया था बोल के। और आज एक्चुअली मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठा था तो नींद कम्प्लीट नहीं हुआ, तो अभी करीब टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है, तो मैं थोड़ा सा एक आध घंटा सो लेता हूँ, उसके बाद फिर शाम को ब्लॉगिंग चालू करते हैं। तो मैं आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:07, और अभी जस्ट मैं 10 मिनट पहले ही बेड से उठा हूँ, और काफ़ी आज एक बड़ा लंबा नींद आया था एक्चुअली, करीब मैं सोया था कि 2:30 या 3 बजे सोया था। तो फाइनली अभी प्लान बन रहा है कि कुछ कि आज पनीर वगैरह कुछ बनाएंगे घर में इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे पे के मौके पे, तो मैं भी जाऊंगा मार्केट और वहां से पनीर लेके आऊंगा। उसके साथ ही मैं सोचा कि मैं जहां पे रहता हूँ ना, मेरे सेक्टर में यहाँ पे बच्चों के लिए ना काफ़ी अच्छा एक स्कोप है स्पोर्ट्स में, तो वो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसे एकेडमी है, जैसे कि आपका क्रिकेट एकेडमी हो गया, जैसे आपका वॉलीबॉल का एकेडमी हो गया, जैसे आपका कराटे का एकेडमी हो गया, तो ये सब यहाँ पे है और मेरे नियर बाय है। काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे बच्चे आते हैं खेलने के लिए, तो मैं वो थोड़ा सा आपको आज दिखाऊंगा। उसके साथ ही ग्रोसरी सब जाऊंगा, वहाँ से पनीर लेके आना है। तो चलिए मेरे साथ और वीडियो में बने रहिए। और जो लोग मेरे वीडियो का पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल में आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और खासकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का आपको अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आगे और चलते हैं मार्केट। अरे आप जग के बैठ गए आलो, और अब सो गया था देखिए, अब जज उठा है ये और अपना नया स्कूटर को पकड़ के बैठा है, है? और अपन निकल रहा है मार्केट के लिए। देखिए आराम रोने लगा ये, उसको भी हर हमेशा बाहर निकलना होता है, मैं कहीं से भी निकलता हूँ ना तो फटाफट लड़का रोने लगता है। तो चलिए चलते हैं अभी होटल सेक्टर मार्केट। और मैं आज मार्केट जाना है बोलते बाइक तो बाहर ही रखा था, गैरेज में रखा ही नहीं था। और काफ़ी इको फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे, हर कोई होता रहता है, और फीमेल लोगों के लिए तो भलाई बहुत ही अच्छा एक जगह है। और ये देखिए स्ट्रीट लाइट चालू है,
चारों तरफ तरफ पूरा उजाला। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ पहले वॉलीबॉल। अभी तो एक्चुअली क्या थोड़ा रात हो गया ना, तो वो छुट्टी हो गया लग रहा है क्रिकेट एकेडमी का, वॉलीबॉल वगैरह होगा अभी। तो चलिए होगा तो आपको दिखाता हूँ इफ पॉसिबल। एक पनीर चाहिए। हाँ। और पनीर ले लिया अपन, अभी चलते हैं घर। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और हाँ गाइस, अभी टाइम हो रहा है करीब 7:45 और जो अपना मटर पनीर है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि करके हम लोग क्या कर रहे हैं। मटर तो छिल चुके हैं ग्रीन मटर, और मसाला बनाने की तैयारी है, उसके बाद फिर पकाएंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो पहले हम लोग अदरक लहसुन और प्याज को चॉप कर लेंगे, सॉरी मिक्सिंग में इसको पूरा मतलब मिक्सिंग कर लेंगे। और इधर पूरी बन रहा है तो मैं अपना थोड़ा एडिटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये फाइनली अपना डिनर प्लेट रेडी हो गया है, अजवाइन का पूरी और ये है बगल में मटर पनीर का सब्जी। तो चलिए फिर हम लोग अभी डिनर कर लेते हैं। टेस्ट वाज ऑसम, एक्चुअली बहुत ही तगड़ा था, खतरनाक बने, पूरा पूरी एकदम मस्त झक्का से चला जी। मटर पनीर तरकारी जैसे सवाल पूरी थी पहली बल है। और फाइनली अभी टाइम हो चुके करीब रात 10:30। सो आज ही ब्लॉग के इनो आज के ब्लॉग को सॉरी यहीं पे मैं संबलपुरी बोला था, आज के ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और खासकर मैं एक बार अपडेट करना चाहूँगा कि जो मेरे चैनल पे हर डेली 1 बजे मेरे वीडियो आता रहता है, तो आप लोग मेरे वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। सी यू, बाय बाय।